जैन पावन तीर्थ श्री समेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ सोमवार को जैन समाज की ओर से बाड़मेर कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। धरना स्थल पर जैन समाज के लोगों को कई वक्ताओं ने संबोधित किया और झारखंड सरकार के निर्णय की कड़ी आलोचना की। इस दौरान समाज के कई लोगों ने उपवास रखकर अपनी मांगों को मुखर किया। जैन धर्म के विश्वविख्यात व पवित्र तीर्थ स्थल श्री समेद शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जबरदस्त आक्रोश और रोष है। इसको लेकर संपूर्ण जैन समाज लगातार विरोध दर्ज करवा रहा है। इस कड़ी में सोमवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जैन साधर्मिक वर्षी तप समिति बाड़मेर के बैनर तले एक दिवसीय सांकेतिक सामूहिक उपवास व धरना रखकर जैन समाज के लोगों की उपस्थिति में जिला प्रशासन को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र झा जैन ने बताया कि जैन समाज के पावन व आस्था के केंद्र तीर्थ समेत शिखर को झारखंड सरकार व केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने के दिए आदेश के संपूर्ण जैन समाज की भावनाएं आहत हुई है। इसके विरोध में सोमवार को बाड़मेर जैन समाज के 200 से अधिक महिला पुरुषों ने उपवास रखकर अपना रोष जाहिर किया। वहीं जिला कलेक्टर के बाहर धरना देकर जिला प्रशासन को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। धरने में 700 से अधिक समाज के गणमान्य नागरिक, माताएं, बहनें व बच्चे शामिल हुए। सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश बोहरा अमन ने धरना स्थल पर बैठे जैन समाज के बंधुओं और माताओं बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि श्री समेद शिखर जी जैनत्व का सर्वोच्च शिखर है, जिसके साथ ही किसी प्रकार के छेड़छाड़ जैन समाज को कतई मंजूर नहीं है। धरने के बाद समिति के माध्यम से जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। क्योंकि ये घटना कुछ लोग कहते हैं एकदम मुद्दा कैसे उठा, कुछ समय पहले ऐसे वीडियो वायरल हुए वहां पर शराब के, जब घोषणा हो गई तो लोग बढ़ेंगे और कैसे कैसे लोग बढ़ेंगे, कैसे कैसी घटनाएं होगी, आप और मुझसे दूर नहीं है, हम सब जानते हैं और समझते हैं। तो सरकार ने, राज्य सरकार ने हमारी बात को समझा है, लेकिन मेरा निवेदन इस आज के मंच के माध्यम से इतना ही कि केंद्र सरकार भी हमारी भावनाओं को समझे, हमारी बात को समझे और इसी को लेकर राज्य सरकार के माध्यम से 17 तारीख तक पैरवी है, हमारे अपने प्रतिनिधिमंडल संस्थाएं लगी हुई है, वो बात को सुनेगी, समझेगी और कोर्ट में सरकार हमारे पक्ष में बात रखेगी, ऐसी हमको उम्मीद है। जैन साधर्मिक वर्षी तप समिति की ओर से आज बड़े स्तर पे सामूहिक उपवास और कलेक्ट्रेट के बाहर ये धरने का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जैन श्री संघ बाड़मेर अध्यक्ष प्रकाश चंद वडेरा, खतरजगंज जैन श्री संघ बाड़मेर सचिव रमेश पारक, अचलगढ़ जैन श्री संघ सचिव दिनेश बोरा, चिंतामण दास कोटड़िया, नाकोड़ा तीर्थ ट्रस्ट कैलाश मेहता, छगन बोथरा, हंसराज कोटड़िया, समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र छाजेड फौजी, प्रवीण सेठिया, गौतम संकलेचा, पार्षद मनोज पारक, पार्षद महावीर बोरा, पार्षद सोमलाल सिंघवी, पार्षद दिनेश भंसाली, पार्षद रमेश जैन, कैलाश कोटड़िया, एडवोकेट मुकेश जैन व सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश बोरा अमन, जोगेंद्र वडेरा, गौतम बोथरा, वीरचंद भंसाली, एडवोकेट नरेश छाजेड, भूचंद बोरा, नगर परिषद पूर्व सभापति उषा जैन समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।